प्रधानमंत्री द्वारा ही क्यों कराया जा रहा है? संतोष पाठक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय राणा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको जो ये विपक्ष की रणनीति के पीछे क्या दिखाई पड़ रहा है, ये सिर्फ मोदी विरोध है या आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि 2024 की तैयारी अब जोरों पर है? नमस्कार पंकज जी, नमस्कार। मैं प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ही मोदी विरोधी लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। ये बताइए कि ये सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस और कांग्रेस विपक्षी पार्टी पे ही है कि अगर ये मोदी जी इसका उद्घाटन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नाम इस तरह से अमर हो जाएगा। ये नहीं चाहते कि मोदी जी का नाम अमर हो और कहीं भी इतिहास में दर्ज हो जाए। देखिए, जब ताजमहल की बात करते हैं, कुतुब मीनार की बात करते हैं, चाहे वायसराय ऑफिस की बात करते हैं, जहां एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, तो सारी की सारी चीजें ऐतिहासिक चीजें हैं और कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज है। और इतिहास में ये भी दर्ज है कि किसने कब क्या क्या किया था। उसी तर्ज पे अगर प्रधानमंत्री आज के दिन में वो अगर उद्घाटन कर देते हैं तो उनका भी इतिहास में नाम दर्ज होगा। ये नंबर वन। नंबर टू, अभी हमारे मित्र जिंदल साहब बता रहे थे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट एक्ट, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री। देखिए, ऐसा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड डिफरेंस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर का डेफिनेशन यहाँ करने नहीं बैठे हैं। यहाँ पे सर्वोच्च जो होता है प्रेसिडेंट, सबको पता है। हमको ये नहीं देखना कि किसी की डिग्निटी क्या आती है, किसमें क्या है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि इसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष का महत्व क्या होता है। भैया, लोकसभा अध्यक्ष सब कुछ होता है, यानी अध्यक्ष होता है। वो इन्विटेशन किसको देता है? अगर वो इन्विटेशन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को देता है उद्घाटन करने की, तो प्रधानमंत्री जी आएंगे, चाहे वो स्टेट हेड ऑफ स्टेट हो या हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, कोई दोनों हो सकता है। यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया गया है। इसमें हमें नहीं लगता कि कुछ कुरेज होना चाहिए। समस्या इनके साथ ये है कि मोदी जी का नाम आए या मोदी जी अमर ना हो जाए इस काम के लिए, उनको उसमें समस्या आ रही है। अभी जिंदल साहब ने एक भी पंकज भाई ये नहीं बताया कि क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ये बता रहे थे कि प्रेसिडेंट की क्या पावर है और प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। भैया, डिफरेंसेस सब पता है। आर्टिकल एक्ट ये मत बताइए, हमें आर्टिकल एक्ट वो भी पता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि इससे आपको तकलीफ क्या है, ये क्यों जरूरी है। पहले तो आप विरोध कर रहे थे कि पार्लियामेंट हाउस नहीं बनना चाहिए, नया पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, जो जैसा चल रहा वैसे चलते देना चाहिए। अब क्या है कि आपको आपको याद आ रहा कि भाई दलित विरोधी है, क्योंकि हमारी जो करंट प्रेसिडेंट है वो एसटी समुदाय से आते। कुछ महीने पहले क्या ज्यादा मत चाहिए, गुजरात इलेक्शन के बाद भी प्रेसिडेंट गुजरात के नमक की बात की थी, तो यही कांग्रेसी पानी पी पी करके उनको बुरा भला बोल लेते। तब दलित भी नहीं आ रहा था, तब एसटी भी नहीं आ रहा था, तब महिला भी याद नहीं आ रही। संजय राणा, लोकेश जिंदल आपको